दोस्तों, हमारी बॉडी की वो कंडीशन जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी बाहरी चीज के संपर्क में आते ही एबनॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है, उसको ही आम भाषा में हम एलर्जी कहते हैं। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एलर्जी का बहुत ही बढ़िया सा रामबाण उपाय। ये रामबाण उपाय आपको बहुत सारी तकलीफों से बचाएगा। मौसम के मार सब झेल रहे हैं आजकल, और सर्दी, खांसी, जुकाम, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम सुबह उठ रहे हैं, हमें छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, या अचानक से सर्दी खांसी होने लगती है, तो उस टाइम पर हमें कुछ ऐसी घरेलू दवाइयों की जरूरत होती है जो हमारे शरीर पर कोई खराब इफेक्ट भी ना करे, साथ ही हमें इन बीमारियों से ही बचाए, साथ ही अगर हम एलर्जेटिक है तो भी हमारा बचाव करे। तो इसके लिए आज ये रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस रेमेडी में सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का। काली मिर्च के गुणों से बहुत सारे लोग होंगे जो परिचित होंगे। काली मिर्च में जो गर्माहट होती है वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने से बचाती है, साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत करती है। हमारी दवाई में जो दूसरी चीज होगी वो है दोस्तों जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। सौंठ के पाउडर के बारे में आप सब जानते होंगे, मार्केट में जो सौंठ होती है वो इजिली अवेलेबल होती है, उसे आप लाकर घर में मिक्सी में पीस कर इस तरह का पाउडर बना सकते हैं, या फिर आजकल की शॉप्स पर सोट का पाउडर यानी कि जिंजर का पाउडर बना बनाया भी मिलता है। आप जैसा चाहें वैसा इसको लेकर यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस रेमेडी में हमें कोई भी चीज यानी कि जैसे फ्रेश अदरक है उसका यूज नहीं करना है हम, क्योंकि ये दवाई बनाकर रखने वाले हैं जिससे कि आपको आराम मिले, तो इसलिए हम यहाँ पर सारी ड्राई चीजों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये सोट पाउडर जो है मार्केट में मिल जाएगा, आप लेकर इसको इस दवाई में यूज कर सकते हैं। इन दो चीजों के बाद जो है जो चीज आता है दोस्तों वो है, मैं आपको बता दूं, मिश्री। जी हाँ, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं मिश्री का। मिश्री जो है इस तरह की जो मिश्री होती है उसको सीटा मिश्री भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग धागे वाली मिश्री भी बोलते हैं। हमें यहाँ पर इस दवाई को बनाने के लिए इसी धागे वाली मिश्री का ही यूज करना है। ध्यान रखें कि हम कोई कटिंग वाली मिश्री जो पूजा में यूज होती है, पूजा पाठ में भोग लगाने में, या फिर चीनी जैसी चीज का यूज नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ पर गुड़ का यूज करेंगे। मिश्री के बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक फायदे होते हैं दोस्तों, और जो घर की रेमेडी, जो भी हम घर के इस तरह से चीजें बनाते हैं, जो दवाइयां बनाते हैं बीमारियों के लिए, उसमें सीटा मिश्री का यूज बहुत आमतौर पर किया जाता है, और ये भी जो है हमें ग्रोसरी शॉप पर बहुत ही आसानी से इजिली मिल जाती है। तो यहाँ पर इस दवाई को बनाने के लिए आप इस धागे वाली मिश्री का ही यूज करें। तो यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही हूँ, मैंने क्या किया है, मिश्री को इस तरह से छोटे से खलबट्टे में कूट लिया है। अगर हम साबुत मिश्री को अपने ग्राइंडर के जार में डालेंगे तो हमारा ग्राइंडर जार खराब हो सकता है। तो मिश्री को सबसे पहले आप किसी खलबट्टे में या फिर अदरक कूटने वाले माम दस्ते में कूट लें, उसके बाद ही जो है दवाई बनाने में यूज करें। तो मिश्री को कूटने के बाद अब जो चौथी चीज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने जो यहाँ पर अपनी चौथी चीज ली है दोस्तों वो है मुनक्का। यहाँ पर आपको जो मुनक्का दिख रहा है वो मार्केट में इजीली मिलता है, पैकेट बंद मिलता है, और आराम से आपको जो है ग्रोसरी की शॉप पे मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमें किशमिश का यूज नहीं करना है। मुनक्का वो चीज होती है दोस्तों जिसमें इस तरह के बीज होते हैं। एक मुनक्के में आपको 2 से 3 बीज दिख सकते हैं। यहाँ पर हमें मुनक्के के बीजों को निकाल कर पहले अलग कर लेना है। मुनक्का जो होता है वो सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, खासकर जब सर्दियों में हम इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों को दूर रखने में हमारी हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात, इसकी तासीर गर्म होती है जो हमें एलर्जी से बचाता है, साथ ही इसे खाने से शरीर अंदर से गर्म होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी है, गले में खराश होती है, या फिर शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो हमें बचाव करता है। तो मुनक्का खाने से सेहत को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। यहाँ पर हम मुनक्का को पहले बीज निकालकर सारे मुनक्कों को तैयार कर लेंगे, और आपको क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मैं जो है ये रेमेडी बता रही हूँ, इसकी हम छोटी छोटी गोलियां तैयार करके रखेंगे जो कि आपको सुबह शाम लेनी होंगी, और कैसे लेनी है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों यहाँ पर 4 चीज हो चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और मेन चीज है जो मैं इस रेमेडी में यूज करने वाली हूँ, और दोस्तों ये वही चीजें हैं जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती है। चलिए चौथी चीज क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मुनक्के के बीजों को मैंने छील कर मुनक्कों को तैयार कर लिया है। इस रेमेडी की दोस्तों हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अजवाइन है। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में कैरम सीड्स बोलते हैं, अजवाइन होती है जो हर किचन में होती है। अक्सर हम पूरी पराठा बनाने में या फिर नमकीन मटरी वगैरह बनाने में अजवाइन का मसालों के तौर पर यूज करते हैं। अजवाइन का यूज अचार में भी होता है। अजवाइन की तासीर इतनी ज्यादा गर्म होती है, जब भी हम इसे लेते हैं तो हमारी बॉडी पर इसके बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, साथ ही अगर कभी सर्दी जुकाम होता है, आपने देखा है कि नाक वाक हमारी अगर कभी बंद होती है तो हमारे जो दादी नानी
परेशानी होती है वो बोलती है कि अजवाइन की पोटली बनाकर उसको सूंघते रहो। जी हाँ, अजवाइन का ये बहुत ही औषधीय बहुत ही मेन गुण होता है कि अजवाइन को जब हम इस दवाई में यूज करते हैं तो अजवाइन बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो अजवाइन जो है यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब हमने हमारी पांच चीजें तैयार है। मैं क्या करूंगी कि आपको सामने से ही क्वांटिटी बताती जाऊंगी कि हमें क्या चीजें कितनी लेनी है। मैंने एक बहुत छोटा सा खाने वाला सिंपल सा चम्मच लिया है और इसे आप देख सकते हैं कि मैंने चम्मच को पूरा भरा भी नहीं है, 1/3 आप बोल सकते हैं मैंने अजवाइन ले लिया है। इसके बाद से जितना मैंने अजवाइन लिया है उतनी ही हम सौंठ का पाउडर लेंगे यानी कि जिंजर पाउडर लेंगे। कुछ चीजें हैं जो हम सेम क्वांटिटी में यूज करेंगे, साथ ही काली मिर्च भी है, मैं इतनी ही यूज करूंगी जितने की हमने बाकी चीजें ली है। तो अजवाइन, सौंठ का पाउडर, साथ ही काली मिर्च का पाउडर, ये हम सेम क्वांटिटी में यूज करेंगे। इसके अलावा जो मिश्री है वो हम डबल क्वांटिटी में लेंगे, जिससे अगर इस दवाई का सेवन बच्चे भी कर रहे हैं तो वो आसानी से खा सके। मीठी होगी तो खाने में अच्छी लगेगी। साथ ही यहाँ पर जितनी मिश्री है यानी कि 2 चम्मच मिश्री, तो 2 चम्मच के लगभग जो है मैंने मुनक्के ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सारी चीजों को मिक्सी में डालकर पीस कर इनका पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिक्सी में मैंने चला लिया है और इसको चलाने के बाद ऐसा नहीं है कि ये मिक्सचर हमारा गीला होगा, तो हमने यहाँ पर बढ़िया सा ड्राई पाउडर रेडी किया है। ये जो पाउडर है ये हमारी दवाई को बनाने में काम आएगा। अब यहाँ पर इस पाउडर में हम एक मेन चीज डालेंगे, वो है देशी गाय का घी। अगर आपके पास देशी घी नहीं है, मतलब देशी गाय का घी नहीं है, तो आप कोई सा भी घी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इस दवाई को बनाने के लिए गाय का घी ही यूज करना है। आप चाहे मार्केट वाला यूज करें या फिर घर में है तो वही यूज कर सकते हैं। 3 चम्मच मैंने घी डाली है, घी को मेल्ट करके डाला है, घी को हल्का सा गुनगुना करके डालेंगे, जिससे जो है हमारा मिक्सचर फटाफट से मिक्स हो जाए और हमें रेशियो का पता चल जाएगा कि हमें कितने घी की जरूरत है। तो जितना मैंने आपको रेशियो दिखाया दोस्तों, इसमें 3 चम्मच सेम चम्मच से 3 चम्मच घी की जरूरत पड़ी है और यहाँ पर इस मिक्सचर से बहुत ही आसानी से हमारी गोलियां बनकर तैयार हो जाएंगी। मैं आपको गोलियां भी बनाकर दिखाती हूँ कि कितनी छोटी छोटी गोलियां हमें बनाकर तैयार करनी है। यहाँ पर पहले हाथों से मैं मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गोलियां बनाकर यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। गोलियां हमें बहुत छोटी छोटी बनानी है। मार्केट में आपने अनारदाने की गोलियां देखी होंगी। जब भी कभी हम लोग पाचक गोलियां खरीदते हैं तो अनारदाने की गोलियों का एक सिंपल सा साइज होता है या फिर हरड़ की गोलियों का, हमें यहाँ पर वैसे ही कुछ इसी साइज की गोली तैयार करनी है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से गोलियां बनकर तैयार हो जाती है। हालांकि गोलियां छोटी छोटी है, इन्हें बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। गोलियां बनाने का रीजन यही है दोस्तों कि जब हम ये दवा ले तो हमें एक प्रॉपर इसका मेजरमेंट में, मतलब ये दवा जो है हम ले सकें। अगर हम अनइवन गोलियां बनाएंगे तो किसी टाइम हमारे शरीर में ज्यादा बड़ी खुराक जाएगी, किसी टाइम कम खुराक जाएगी। इसलिए गोलियां बनाते समय साइज का खास ध्यान रखें कि बराबर साइज की गोलियां बनाकर तैयार करें। अगर हम गोलियां बनाकर नहीं खाएंगे तो हमें इस दवाई को खाना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए उतने मिक्सचर से मैंने यहाँ पर लगभग 15 गोलियां बनाकर तैयार कर ली है। एक गोली थोड़ी सी छोटी बनी है, बाकी गोलियों की साइज सेम है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के अनारदाने की साइज की गोलियां बनानी है। इन गोलियों को बनाकर आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसको स्टोर करके रख लें, क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको इसमें कुछ फंगस वगैरह लगाएगी। तो आप आराम से घर में ही नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयरटाइट डिब्बे में इसको रख लीजिए। और जब इसको लेना है दोस्तों तो एक काम करना है कि हमें लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी। जी हाँ, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। सुबह खाली पेट आपको 2 गोलियां लेनी है। अगर आप बड़े हैं, आपको एलर्जी की ज्यादा समस्या है तो आपको 2 गोलियां लेनी है। पर अगर आप ये गोलियां बच्चों को दे रहे हैं, किसी बच्चे को, तो आप 1 गोली ही उसको दें, क्योंकि बच्चा तो 1 गोली सफिशियंट है। पर अगर हम बड़े ले रहे हैं, लगभग 15 से 18 साल से ऊपर के लोग ले रहे हैं, तो 2 गोलियां उनके लिए गुनगुने पानी के साथ आराम से चबा चबा कर खाइए दोस्तों। इसकी मिठास इतनी अच्छी लगती है, बहुत ही आसानी से इस गोली को कोई भी एलर्जेटिक पेशेंट ले सकता है। और शाम को भी गुनगुने पानी के साथ आपको खाना खाने से पहले ये गोली लेनी है। जब आपका पेट खाली हो, आपने खाना नहीं खाया हो, तो उस टाइम ये 2 गोलियां चबा चबा कर आप गुनगुने पानी के साथ खा जाइए। गोलियां बहुत टेस्टी होती है, खाने में भी मिठास होती है, क्योंकि इनमें हमने मिश्री और मुनक्के का यूज किया है। इस रेमेडी को दोस्तों आप 15 दिन तक करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि मेरे घर में भी इस तरह के एलर्जेटिक पेशेंट लोग हैं, तो मैं ये दवाई बनाकर उनको देती हूँ। ये मेरी आज की रेमेडी नहीं है, ये हमारी दादी नानी के टाइम से चली आ रही रेमेडी है। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही सिंपल चीजों से हम इन गोलियों को बनाकर रख सकते हैं। जब भी कोई एलर्जेटिक पेशेंट हो तो उसे जो है ये दवाई दे सकते हैं। मैं चाहूंगी दोस्तों कि आज आप मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि लोगों को इस रेमेडी का लाभ मिल सके। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी जो है वीडियो को एंजॉय करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।